मैंने पूरक प्रश्न में ये पूछा था जी कि आपने स्वीकार किया है कि चार जिलों में गोबर बह गया और चोरी हुआ, इनको सुरक्षित रखने की जवाबदारी किसकी है, जिनको जवाबदारी दी गई है उसकी नियुक्ति का आधार क्या है और क्या नियमानुसार ये नियुक्तियाँ हुई है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि गौठान पंचायतों की संपत्ति है और स्वाभाविक रूप से पंचायतों की संपत्ति है तो सुरक्षित रखने की जवाबदारी भी पंचायतों की है, पर गौठान समितियां जो गठित हुई है वो पंचायत के माध्यम से नहीं हुई है। गौठान समितियों को प्रभारी मंत्री ने घोषित किया है। नियम ये बनाए गए थे कि पंचायत 50 लोगों का नाम का अनुमोदन करके भेजेगी, उस 50 में 11 से 14 लोगों की गौठान समिति बनेगी, पर पंचायत के प्रस्ताव को किनारे रख करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गौठान समिति बना दी गई और ये कार्यकर्ता गोबर में भी लूट मचाने में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि पंचायतों के अधिकार का हनन किया जा रहा है? पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की 11,000 पंचायतों के अधिकारों का हनन करने का काम भूपेश बघेल की सरकार का। सरकार का ये मानना है कि 97 करोड़ की गोबर गठदारी की गई, 1,000 जो गौठान समिति है वो स्वावलंबी हो चुकी है, 54 करोड़ की यहाँ पे बेचा भी गया है गोबर। पिछले 4 महीने से गोबर खरीदी बंद पड़ी है जी। नियम के विपरीत गोबर खरीदी के लिए 15 वित्त और 14 वित्त की राशि देने के लिए पंचायतों को बाध्य किया जा रहा है। नियम के विपरीत इनने गौठान समितियां गठित की है, ये गोबर में ही पूरी तरह से गंदगी फैलाने में लगे हुए हैं जी। हस्तांतरण प्रस्ताव पे लगे थे कानून व्यवस्था को लेकर, कुछ बड़े नेताओं के आसपास से जो परिजन है उनकी मौत हुई, हत्याएं हुई है, लेकिन इसको अग्रहा कर दिया गया, तो कहा यह गया कि 2 दिन का ही हिसाब महसूस सत्र, ऐसे में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। देखिए, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। सरकार ने मार्च में स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, 3,400 से ज़्यादा बलात्कार